अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिलीज़, क्या हाल है जी। शुक्र अल्लाह का मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। अल्लाह पाक सबको जी सेहत वाली ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। तो आज का व्लॉग जी एक छोटा सा है, मैं अपनी ज्वेलरी कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा चलिए ये भी दिखा सकती हूँ, मेरे पास थोड़ी सी ज्वेलरी है जो क्योंकि ज़्यादातर तो मैं गोल्ड की पहनती हूँ, तो आर्टिफिशियल जो है वो कभी शादी वगैरह में जाऊँ तो तभी पहनती हूँ, वरना मैं आम रूटीन में या कहीं भी छोटे मोटे फंक्शनों के लिए गोल्ड के अपने जो पहने हुए कानों में या हाथों में रिंग्स वगैरह वही पहनती हूँ। एक्स्ट्रा ये ज्वेलरी मैं ईद और शादी के अलावा नहीं पहनती। तो ये थोड़ी सी ज्वेलरी है जो मैंने संभाल के रखी है, बाकी तो मैंने सब दे दी थी। तो अभी ये थोड़ी बहुत है, ये देखें ये मेरे वलीमा का सेट है, इसमें पैक हुआ हुआ। ओ ये अभी मेरे देवर की शादी हुई थी तो मैंने ज्वेलरी ली थी, ये इसमें मैंने बैग में डाल के रखी है, इसमें ख़राब नहीं होती। और ये मेरे निकाह का सेट है और वो मेरी बर्थडे का गिफ्ट था मेरी सास की तरफ से। तो ये मेरी जी ज्वेलरी पड़ी हुई है सारी, ये सारी मेरी बारात की ज्वेलरी थी तो अभी तक मेरी पड़ी है। और मेरी शादी को माशाल्लाह छठा साल है और अभी तक ये ख़राब नहीं हुई है, ना वलीमे वाली और ना ही बरात वाले। और ये मेरी रिंग्स हैं जो मैं पहनती हूँ। तो चलें एक एक करके सब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मेरी जी ये ज्वेलरी सेट है, ये मैंने अभी तक ना खोला है ना पहना है क्योंकि इतना हैवी सा है ना इसका लॉकेट, तो मैंने तो अभी तक कोई ऐसा ड्रेस भी नहीं लिया इस कलर का कि मैं इसको खोल के पहनूँ, लेकिन ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ, उसी का उसी तरह पैक है। उसके अलावा ये मेरे निकाह पे, ये मेरे हस्बैंड की घर वालों की तरफ से था मेरे निकाह पे, क्योंकि मेरे निकाह का ड्रेस था रेड और ग्रीन सा, तो ये उसके साथ का था। और ये काफ़ी मल्टी शेड है, इसका कलर बहुत अच्छा है और उसके ऊपर जो काम हुआ है वो भी बहुत प्यारा है। आपको सोचने की मेरी शादी को 6 साल हो गए और जी अभी तक वैसे का वैसा ही पैक है, मैंने इसको सिर्फ 2 बार पहना, एक दफ़ा निकाह पे और एक दफ़ा देवर की शादी पे मेहंदी वाले दिन मैंने इसको पहना था, क्योंकि मेरा जो मेहंदी का ड्रेस था वो रेड था और गोल्डन और ग्रीन था, तो ये उसके साथ बहुत अच्छा मैच हो गया था। आप इस तरह कोई सूट लें तो उसके साथ ये कलर मैच हो जाते हैं मल्टी शेड, तो बहुत ही खूबसूरत है ये। ये देखें बिंदियाँ हैं, कांटे हैं सारे वाले और हार हैं, ये हार फिट हो जाता गले में तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और इसको मैंने माथा पट्टी के तौर पे भी यूज़ किया इसके हार को, तो बहुत ही प्यारा ये मेरा सेट है। और उसके अलावा ये रिंग है सारी मेरी, जो मुझे इसमें से जो भी पहननी होती हैं ड्रेस के साथ ही वो, तो मैं इसको ये बैग्स मैंने रखा हुआ है ज्वेलरी वाला, इसके अंदर मैं सारी अपनी रिंग्स आर्टिफिशियल रख देती हूँ। फिर जो मुझे ज़रूरत है पीस में से कितनी है, जो मेरी दूसरी ज्वेलरी बॉक्स में पड़ी हुई है वो भी किसी दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी ज्वेलरी। अभी और भी मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी है जो पड़ी हुई है ज्वेलरी बॉक्स में, वो मैंने नहीं निकाली अभी, ये मेन जो मैं पहन रही हूँ वो मैंने आप लोगों को दिखाई है। उसके अलावा ये मेरे झुमके हैं, लॉन के सूटों के साथ पहना तो बहुत अच्छे लगते हैं, ये लाइट लेमन सा इसका कलर था नगों का झुमके से, ये मैं ड्रेस के साथ पहनती होती हूँ। उसके अलावा ये वाले मेरे कांटे हैं, इसको मैंने खाली टीके के तौर पे भी इस्तेमाल किया लगाया है, कितने खूबसूरत है। ये भी मेरे काफ़ी पुराने हैं शादी से पहले के हैं, तो मैं जी ये बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसको रखा है, ये भी अब तक बिल्कुल सेट है। आजकल की तो ज्वेलरी बिल्कुल भी मज़े की नहीं होती, या तो किसी का नग गिर जाता है या कुछ, इसके नग देखें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल भी नहीं गिरे। ये बालियाँ हैं, ये मैंने कलर कलाई थी अपने सूट के साथ, वाइट और ब्लू कलर का मेरा सूट था तो ये मैंने ब्लू कलर बीच में लाइट ब्लू कलर करवाया था नग। ये बालियाँ गर्मियों के सूटों के साथ ऐसी चीज़ों, सर्दियों में तो मैं नहीं पहनती, गर्मियों में ऐसी चीज़ें मैं बहुत पहनती हूँ कहीं जाना हो तो, वरना तो मैं गोल्ड की पहनी रखती हूँ आम रूटीन में, लेकिन जो छोटे मोटे गर्मी के फंक्शन हो तो फिर मैं लाजमी पहनती हूँ। एक ये जी अफगानी स्टाइल, ये मुझे बहुत पसंद है, इसके साथ मेरी रिंग भी है, अब वो रिंग मेरे दूसरे ज्वेलरी बॉक्स में
वो मैं पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इस तरह की रेड कलर की है ये अगवानी, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये टॉप्स हैं और ये वाली भी हैं। उसके अलावा ये कड़े हैं जो मैं पहन ईद के लिए थे, आप लोगों को दिखाए भी थे। ये रिंग है, ये मैं लाहौर से लाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। अच्छा जी, ये ब्लेसलेट मेरा, ये बालों में लगाने के लिए कैचर, और ये मैंने ख़ुद बनाया था, मेरी बिंदिया थी, मैं यूज़ नहीं कर रही थी तो मैंने इसको अपने कड़े के साथ लगाया था। मेरा ड्रेस था शादी का, देवर की शादी पे मैंने पहनना था बरात पे, तो ये फिर मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको उसके साथ ये देखें गोंद से जोड़ दिया था ये मुझे अच्छा इस तरह लगा था, ये मैंने पूरा सेट बना दिया था। ये भी मेरा रिंग और वो है, और ये भी हैं, ये भी मेरे झुमके हैं, और साथ इसके साथ मैंने बिंदिया ली थी अपना फैंसी मेरे एक ड्रेस उसके साथ के लिए। ये भी मेरी शादी से पहले के हैं, ये मुझे बहुत पसंद थे, मैंने पैक किए हुए, ये ख़राब नहीं होंगे। तो चले जी, उसके अलावा ये चांदी का मेरा सेट है, ये भी मैं पहनती रहती हूँ। ये था जी मेरे वलीमे का सेट, ये थे जी इसके कांटे सारे वाले। ये इसका बड़ा, ये देखें सर जी, मैं हाथ में उठा नहीं सकती क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है। और ये इसका गानी सेट था, ये मेरे वलीमे का है। और ये इसका जी, ये थी माथा पट्टी, लेकिन मैंने बरात पे भी माथा पट्टी लगाई थी, तो फिर ये मैंने साइडों से इसके मोती निकाल के, तो ये सिर्फ बिंदिया लगवाई थी। बहुत ही प्यारा ये सेट है जी, ये मेरे वलीमे का सेट है। अब आ जाते हैं इस तरफ जी, ये है जी मेरी माथा पट्टी, ये हलीमा सुल्तान की देख के मैंने ली थी जी माथा पट्टी अपने देवर की शादी पे। ये इस तरह लगती है, बहुत प्यारी लगती है जब लगती है तो ये। और ये था जी मेरा झूमर, मैंने भाई की शादी पे लिया था और अभी तक ख़राब नहीं हुआ, मेरे भाई की शादी को तीसरा साल है। माशाल्लाह, चीज़ें संभाल के रखो तो आपकी कुछ भी नहीं होता। ये मेरे कांटे हैं, ये मेरा पूरा सेट है इसके साथ का, ये नथ है इसके साथ, ये कांटे थे, और ये रिंग थी डबल इस तरह देखें। और ये इसकी जी नथ चाह रही थी, मैंने भाई की शादी पे ये सेट किया था बारात के लिए, ये कांटे, ये नथ और ये साथ रिंग। और ये है जी मेरा प्यारा सा ब्लेसलेट्स, ब्लेसलेट तो मैं बहुत कम पहनती हूँ, फैंसी इस तरह के कड़े वगैरह पहन लेती हूँ, उनके साथ चूड़ियाँ कोई सी भी ले लेती हूँ मैं। और ये हैं जी छोटे से मेरे टॉप्स, ये मैंने एक ही जोड़ी रखी हुई है पहनने के लिए, कभी मैं इसको नाक का कोका बना लेती हूँ, कभी मैं इसको कान के टॉप्स बना लेती हूँ। और ये है जी मेरी रिंग हाथ में पहनने के, देखें डबल, इसको ऐसे पूरी उंगली में आपको पहन के दिखाती हूँ। ये भी मेरे से जान नहीं रही हाथ में, ये रिंग्स होती है हाथ में पहन के, और ये ब्लेसलेट की तरह बंद करना होता है बस। ये इतना अच्छा लगता है ना पूरी उंगली पे, इस तरह सीधा आ जाता है ना, बहुत प्यारा लगता है। अबे जी जी, ये मैंने टिक्का लिया था, बहुत चार रहा था, फैशन आया हुआ था इसका, देखिए गोल्ड की तरह का, लेकिन ये है नहीं गोल्ड का। और साथ ये सारे वाले कांटे टॉप्स टाइप्स हैं, ये रिंग्स हैं मेरी, और ये भी इसी के साथ के, ये सहारे लगते हैं और ये टॉप्स टाइप है। आप इसको चाहें तो बालों में जूड़े पे भी लगा सकते हैं, तो मैंने तो अभी तक टॉप्स के तौर पर यूज़ नहीं किया इसको, मैंने इसीलिए लिया था कि मैं जूड़े और पोनी वगैरह पर इसको लगा लेती हूँ बालों की डिज़ाइनिंग करके। तो ये देखिए, कोई भी जूड़ लियो आप इसको इस तरह यूज़ कर लेते हैं, मैं तो कर लेती हूँ भाई, बालों पे भी लगा लेती हूँ मैं तो, कांटे को भी झूमर बना लिया उसको, और या माथा पट्टी बना ली, कुछ भी मैं तो कर लेती हूँ कुछ। चलें जी, अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, और ये है जी मेरी सबसे प्यारी जूड़ली, और ये है मेरे बरात की जूड़ली। ये देखें जी, ये है मेरे बरात की जूड़ली, ये है कांटे,
कितने भारी होते थे, 6 साल पहले के भी तो हैं। ये था जी हार, पूरे गले पे आ जाता था, और ये थी इसकी माथा पट्टी। ये भी वैसे का वैसा ही नया मेरा पड़ा हुआ है। इसको अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो इसकी शाइनिंग में कोई फ़र्क नहीं आया, और जो भारी भी इतना है ना, ये देखें, कोई इसकी शाइनिंग में फ़र्क नहीं आया। और इसकी माथा पट्टी जो प्यारी थी, सेट होके लगती है, बहुत प्यारी माथा पट्टी है। इसके कांटे को भी मैंने बिंदिया के तौर पे यूज़ किया, झूमर के तौर पे भी यूज़ किया। हैवी है तो इसलिए मैंने इसको इतना पहना नहीं है। तो ये थी जी मेरी ज्वेलरी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। और प्लीज़ मैं बहुत मेहनत करती हूँ, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्द ठीक हो जाऊँ। अल्लाह पाक सबको ठीक लगे, और सबसे ख़ास का मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकी बाना।